हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा हूँ कस्टम थंबनेल के बारे में। तो कस्टम थंबनेल का यूट्यूब के अंदर बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि थंबनेल जो होता है वो आपकी वीडियो की पहचान होती है, तो जिससे पता चलता है कि वीडियो जो है वो कैसी है। तो लोग अक्सर थंबनेल की वजह से ही वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। तो आपका थंबनेल कुछ ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो कि लोगों को आपकी वीडियो की तरफ मुतवज्जा करे। क्योंकि हर किसी के चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ आई होती हैं, यूट्यूब की तरफ से रिकमेंड हुई होती हैं, लेकिन आप किस वीडियो को क्लिक करेंगे, जिस वीडियो का आपको थंबनेल बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा, जो आपको अपनी तरफ रागब करेगा, तो वो चाहेगा कि बंदा चाहे कि वो उसको जानबूझ के क्लिक करे कि वो थंबनेल इतना अट्रैक्टिव हो। तो वो थंबनेल कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना होता है, वो कैसे बनेगा, तो आज हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि थंबनेल जो है वो 3D के अंदर कैसे बनाया जाता है, और एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए जो मैं ऐप आपको बता रहा हूँ वो ऐप ये है पिक्सल ऐप, जो आपको इजीली मिल जाएगी प्ले स्टोर से या आईफोन के स्टोर से। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये कुछ है पिक्सल ऐप का इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है। तो इसका सबसे पहले आपने जो करना है काम, वो ये करना है कि आपने इमेज साइज सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने ये देखिए, यहाँ पे 1280 है, लेकिन हमने जो बनाना है यहाँ से ऊपर से कस्टम है, तो हमने जो कस्टम थंबनेल बनाना है यूट्यूब थंबनेल ये आया है, तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये यूट्यूब थंबनेल का क्लिक करने के बाद आप लोग इसको ओके कर दें। तो अब आप लोग इसमें बहुत से फीचर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के ये थंबनेल दिए हुए हैं, ये देखें, ये बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं। 3D के अंदर भी आप इसमें बना सकते हैं। तो हम इसमें बेसिकली जो है हम आज बना रहे हैं, इसी वीडियो से रिलेटेड हम बनाते हैं, तो अपना एक अच्छा सा शेप बना सके कोई, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ थंबनेल यूट्यूब थंबनेल। तो आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और फिर इसको यहाँ से आप लोग इसका स्टाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी जो आपको अच्छा लगे स्टाइल। तो वो आप, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, फाउंड बैक कर सकते हैं। तो फिर इसका आप लोग इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसको, जो आपको अच्छा लगे वो आप कलर दे सकते हैं। इसकी आप रोटेट कर सकते हैं, फाउंड साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। फाउंड इधर ये देखें, बहुत से फाउंड्स दिए हुए हैं, बहुत से ये देखें, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट किस्म के हैं जिनसे ये चेंज हो जाते हैं। तो ये आप फाउंड इनका चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं आप। तो इस तरह ये इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें बहुत से फीचर्स हैं इसमें। और आप लोग इसको 3D भी कर सकते हैं, आप 3D टेक्स्ट बना सकते हैं इसको, तो इनमें करेंगे 3D, तो ये हमें 3D दिखाई देगा। इस तरह इसमें स्टिकर्स भी हैं, ये देखें, ये आप अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी लगा सकते हैं, यहाँ से कुछ भी लगा सकते हैं, इमोजीज भी हैं। तो ये ब्राइटनेस आप तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं आपकी, आप लोग इसको जैसा बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। आप लोग इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं,
गाइस, तो आप लोग इससे अच्छी तरह से बना सकते हैं इसको जैसे चाहें आप। इससे अच्छी अच्छी और भी बहुत सी अच्छे थंबनेल बना सकते हैं इस ऐप को यूज़ करते हुए। सो गाइस, यहाँ से आके आप लोग इसे सेव कर सकते हो गैलरी के अंदर, आपके फ़ोन गैलरी में ही ये सेव हो जाए।